नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 20 तारीख की ग्रह स्थिति देखते हैं। सूर्य मेष राशि में यथा स्थिति बने हुए हैं, शुक्र वृषभ राशि में, वो भी पुराने हैं, राहु मिथुन राशि, केतु धनु राशि में, शनि मंगल और बृहस्पति ये तीनों बैठे हैं मकर राशि, और बुध चंद्रमा ये दोनों मीन राशि में बैठे। ग्रहों की स्थिति सामान्य से खराब है। देखिए, सामान्य से खराब बार बार कहने के पीछे कारण क्या है? दो ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े हैं, शनि और बृहस्पति। ये दोनों, एक स्वगृही है और दूसरा नीच का है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ है जो कि ठीक नहीं है। वहां पे मंगल भी बैठे हुए हैं जो शनि से शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। तो ये तीनों, और मंगल क्या है? पराक्रम है, रक्त है, और रक्त जब इन्फेक्टेड होता है, दूषित होता है, तो तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। तो इन तीनों के एक साथ होने की वजह से ये तमाम परेशानियां अभी चल रही हैं और थोड़े दिन तक चलती रहेगी। संभव है कि जून तक, मतलब जून के बाद, स्थितियों में सुधार शुरू हो और बिल्कुल ठीक होने की तरफ जाए, क्योंकि बृहस्पति जब लौटेंगे अपने घर में तो स्थिति में काफी सुधार होगा। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, द्वादश भाव का चंद्रमा आर्थिक परेशानियों से परेशान करेगा। बहुत सावधानी पूर्वक चलिए, शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं है, मंगल दूषित है, मानसिक शारीरिक और वित्तीय तीनों तरफ से चीजें ठीक नहीं चल रही। आपका कोई अपना, संतान, प्रेम, इस तरीके की चीजें आपको साथ देगी, इससे आप ठीक रहेंगे, लेकिन बहुत सतर्क रहिए और सूर्य को जल देते रहिए, लाल वस्तु पास रखिए। वृषभ राशि, आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी, कुछ ऐसा मनोभाव आपका बनेगा जिससे आप व्यवसायिक स्तर पर लाभ करेंगे और कुछ कहीं से धन का भी इंतजाम कर सकते हैं। शारीरिक स्थिति भी ठीक है आपकी, बट कोई रिस्क मत लीजिएगा। प्रेम की स्थिति नहीं ठीक है, फिर भी बहुत खराब नहीं है, मध्यम गति से चल रहा है। हरी वस्तु पास रखिए, काली जी को मानसिक रूप से प्रणाम करिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, शारीरिक स्थिति बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है, कहीं मत निकलिए, पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करिए, कोई रिस्क मत लीजिए, तभी ठीक होगा। प्रेम, स्वास्थ्य और व्यापार तीनों ठीक नहीं चल रहा है, बहुत सावधानी पूर्वक चलिए, बट निकल जाएगा, परेशान मत हुए। गणेश जी की मानसिक तौर पर वंदना करिए, हरी वस्तु पास रखिए, ठीक होगा। कर्क राशि, कर्क राशि की स्थिति ठीक है, थोड़ा सुधार हुआ है, भाग्यवश कोई काम बन सकता है, अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम हो गया है, खराब था, व्यापार मध्यम चल रहा है, प्रेम की स्थिति नरम गरम बनी रहेगी, हनुमान चालीसा पढ़े, अच्छा होगा। सिंह राशि, बहुत सावधानी पूर्वक, मानसिक शारीरिक आर्थिक तीनों कष्ट के संकेत है, बच के पार करिए, पीली वस्तु पास रखिए, शिव जी की आराधना करिए। कन्या राशि, कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है, व्यवसायिक तौर पे, नौकरी पेशे में कुछ आशीर्वाद मिल सकता है, कुछ स्टार्ट हो सकता है। शारीरिक स्थिति मध्यम है, व्यवसायिक स्थिति ठीक है, प्रेम की स्थिति नहीं ठीक है, हनुमान जी की आराधना करिए। तुला राशि, बहुत बच के पार करिए, बहुत ध्यानपूर्वक, स्वास्थ्य, वित्त और प्रेम तीनों की स्थिति ठीक नहीं है, हरी वस्तु पास रखिए, गणेश जी की वंदना करिए मानसिक रूप से। वृश्चिक राशि,
कुछ वित्तीय बातें मन में आएंगी। अर्थशास्त्र के लोगों के लिए अच्छी सोच का आना संभव है, फिनांस सेक्टर के लोगों के लिए अच्छी सोच का आना संभव है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य मध्यम है और व्यवसाय ठीक ठाक कहा जाएगा। हरी वस्तु का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। धनुराशि, वित्त को लेकर के घर में कुछ तुतुमेमे हो सकती है, बहुत कूल होके निपटा। मां के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, नसों से संबंधित कोई परेशानी ना हो इस बात का ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार मध्यम, हरी वस्तु का दान करना आपके लिए उचित होगा। मकर राशि, पराक्रमी बने रहेंगे, कुछ लाभ के भी संकेत। स्वास्थ्य मध्यम है, व्यवसाय मध्यम है और प्रेम की भी मध्यम स्थिति है। हरी वस्तु पास रखें, शिव जी की आराधना करें। कुंभ राशि, धनागमन संभव है लेकिन अभी निवेश मत करिए। स्वास्थ्य मध्यम है, व्यापार मध्यम है, प्रेम मध्यम है। मीन राशि, ऊर्जा का स्रोत बढ़ा है, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी, प्रेम अच्छा है और व्यापार की स्थिति में कुछ नए संकेत आ सकते हैं। शिव जी की आराधना करें, सब अच्छा होगा। नमस्ते।